आजादी का अमृत महोत्सव। AIR नेक्स्ट प्रोग्राम का एक ताजा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का हर एक एपिसोड यूथ की बात करता है। जी हाँ, नौजवानों की बात होती है और नौजवान ही बात करते हैं। और आज के इस शुमारे में भी नौजवान बात करेंगे और कुछ मुद्दों पर बात होगी, कुछ टैलेंट आपके सामने लाया जाएगा और दिल की बात भी सुनी जाएगी। और आज का ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली पब्लिक स्कूल बड़गाम। जी हाँ, आज आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल बड़गाम लिए चलेंगे, वहां के बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मानना है मुख्तलिफ बातों को लेकर। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज पहले सेगमेंट को लेकर चलते हैं सीधा दिल्ली पब्लिक स्कूल, जहां मेरी साथी जो इस प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट को होस्ट करने वाली है, अलीजा जहरा मौजूद है। तो आइए चलते हैं अलीजा के पास। थैंक यू तबरेज। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अलीजा जहरा आज पहला सेगमेंट होस्ट करते हुए डीपीएस बड़गाम की तरफ से आप सबके सामने एक मुबाहिसा, एक चर्चा पेश करवाना चाहती हूँ। तो आइए सबसे पहले हम हिस्सा लेने वाले छात्रों से मिलें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आबिदार गवान है और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। अस्सलामु अलैकुम सामाईन, मेरा नाम राबिया है और मैं क्लास 12 ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूँ डीपीएस बड़गाम से। सामीन आदाब, मेरा नाम सलसबील है और मैं 12वीं जमात की तालिब इल्म हूँ डीपीएस बड़गाम से। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, मैं 12th क्लास का रुमान रफीक हूँ। आप सभी का शुक्रिया। सामाईन, आज इस डिबेट का जो टॉपिक हमने चुना है वो है सेक्सिज्म इन द सोसाइटी, जिसका मतलब है जेंडर यानी लिंग के बेसिस पे भेदभाव करना। तो चलिए हम देखते हैं आबिदा की इस बारे में क्या राय है। शुक्रिया अलीजा। तो सेक्सिज्म हर जगह एग्जिस्ट करता है। मैं समझती हूँ कि सेक्सिज्म एक प्रेजुडिस, एक बायस से शुरू होता है जो सोसाइटी के मिथ्स और स्टीरियोटाइप से बेस्ड होता है, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो ये वायलेंस तक लीड कर सकता है। हालांकि सेक्सिज्म वुमेन पे कन्फाइंड नहीं है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वुमेन ही होते हैं। अगर हम देखें तो दुनिया में वुमेन की सैलरी एज कम्पेयर टू मैन जनरली सेम काम के लिए कम होती है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इन फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से फीमेल टू मेल रेशियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। और अगर हम बाकी दुनिया को देखें तो रिसेंटली सऊदी जैसी कंट्रीज़ में रिसेंटली तक वुमेन को ड्राइव करने की इजाज़त तक नहीं थी। दुनिया इतनी डेवलप हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि अभी भी लोगों के माइंडसेट कम्प्लीटली बदले नहीं हैं। आज फ़र्क सिर्फ ये है कि लोग अपने इस माइंडसेट को छुपाने में माहिर हो चुके हैं। लिहाजा सेक्सिज्म कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी होगा। हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते पूरी तरह, लेकिन हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हम आगे वाली जनरेशन जो है उनमें कम सेक्सिस्ट हो। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी रुमान को, जो इस बारे में अपने विचार बताएंगे। सामाइन, सेक्सिज्म का मतलब है एक जिंसी तासुब जो खसूसन औरतों और लड़कियों के साथ किया जाए। ये एक ऐसा तासुर है जो अमल, लफ्ज़ या हरकत से जताया जाए। सेक्सिज्म कहीं ना कहीं घर से शुरू होता है। हम घरों में लड़कों और लड़कियों को एक दर्जा नहीं दिया जाता है। लड़कियों को ज़्यादातर घरों के काम सौंपे जाते हैं जो लड़कों को नहीं करने होते हैं, और लड़कों और लड़कियों के पहनने के ढंग में भी काफ़ी अंतर होता है। ये गलत है। मर्द अमूमन अपने आप को औरतों से ताकतवर समझते हैं। उन्हें समाज में अपनी एक मर्दाना तस्वीर बनाई है, जिसकी वजह से औरत को कमज़ोर समझने लगते हैं। पर मर्दों में एक खामी भी है, वो अक्सर अपने जज्बात छिपाए रखते हैं, दबाए रखते हैं, जो किसी हद तक सही भी नहीं है। सेक्सिज्म के कई वाकियात हैं। वायलेंस यानी औरतों के खिलाफ तशद्दुद, जिसमें एसिड अटैक्स शामिल है, जो आजकल कॉमन होते जा रहे हैं, वो भी सेक्सिज्म ही है। मर्दों और औरतों में जो भेदभाव होता है वो भी सेक्सिज्म है। और सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर्स के साथ भी भेदभाव होता है। उन्हें आज भी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और
इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मर्द ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ये उनकी लिटरेसी रेट ज्यादा है औरतों के कंपैरिजन में। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि लड़कियों की छोटी ही उम्र पर शादी की जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है। और पिंक टैक्स यानी एक ऐसा टैक्स औरतों की प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है जो 7 से 13 गुना टैक्स होता है। ये टैक्स गलत है। सेक्सिज्म को खत्म करने के लिए हमें इसकी जड़ से ही इसको उखाड़ना पड़ेगा। और इंग्लिश में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी हर किसी नेक काम की शुरुआत घर से की जाती है। तो सेक्सिज्म को खत्म करने की शुरुआत भी घर से ही होनी चाहिए। हमें घर में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लड़का और लड़की एक जैसा समझे। अब एक दूसरे लड़का ये ना समझे कि वो औरतों लड़कियों से अफजल है, और तभी फिर समाज में अवेयरनेस जागेगी और सेक्सिज्म कम हो जाएगा। शुक्रिया। शुक्रिया रुमान। अब सलसबील हमें अपनी राय बताएंगी। लफ्ज सेक्सिज्म आजकल एक इस्तेला बन गई है जिसका माने है सेक्स यानी जिंस या जेंडर के आधार पर नाइंसाफी या भेदभाव, बिलखसूस औरतों और लड़कियों के लिए। असल में सेक्सिज्म का ताल्लुक हर उस सलूक या बर्ताव के साथ है जिसमें तहरीरी, तकरीरी या अमली तौर सेक्स या जिंस का दखल हो। मसलन गैर इरादी तौर हम कहते हैं चेयरमैन या चेयरवुमैन। हम क्यों कहते हैं मैन या वुमैन? हम मैन या वुमैन को बीच में ही क्यों लाते हैं? हम सीधे क्यों नहीं कहते कि चेयरपर्सन? वो भी तो कह सकते हैं ना। मतलब मर्द या औरत जब भी तस्करे में जिंस यानी सेक्स या जेंडर का दखल आया तो इस जबान को सेक्सिस्ट कहा गया और इस अमल को सेक्सिज्म। अब चूंकि लाख दावों, वादों और कोशिशों के बावजूद जो तकरीबन पूरी आलम है उसमें, मुआशरे में, समाज में कम व बेश हर कोने में मर्दाना गलबा वाला यानी मेल डोमिनेटेड पाया जाता है और आए दिन औरत साथ से ही नाइंसाफी होती रहती है, इसलिए सेक्सिज्म लफ्ज सुनते ही औरत या लड़की के साथ ज्यादती, भेदभाव, नाइंसाफी का तस्वर हमारे दिमाग में आता है या ख्याल हमारे दिमाग में आता है। अब जैसे मैंने बात की कि ज्यादती औरतों के साथ ज्यादती, लड़कियों के साथ ज्यादती या उनसे नाइंसाफी, तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो ऑर्थोडॉक्स कल्चर है, ये पुराने कल्चर की बातें हैं। नहीं, मैं मॉडर्न कल्चर की ही बात कर रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कोई 8 मूवीज जिसमें एक्ट्रेस को पे किया गया हो एक्ट्रेस से ज्यादा? कुछ ऐसी मूवीज, बस एक या दो ऐसी मूवीज हो जहाँ ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर एक्टर को ही ज्यादा पेमेंट पे किया जाता है, उसकी पेमेंट ज्यादा होती है, जबकि काम वर्किंग आवर्स दोनों के सेम होते हैं। वो भी उतने ही एफर्ट्स देती है जितना कि वो लड़का एफर्ट्स देता है, फिर भी उसको पेमेंट के हिसाब में उसको नाइंसाफी की जाती है, भेदभाव किया जाता है। और मैंने अक्सर देखा है हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा बोलता है लड़कियों को मौका दिया जा रहा है, वो एयर होस्टेस बन रही है, वो रिसेप्शनिस्ट बन रही है, उनको सेल्स गर्ल बनाया जा रहा है, उनको बहुत मौका दिया जा रहा है। पर एक हिसाब से ये भी, मेरे हिसाब से ये भी सेक्सिज्म है। क्यों? एयर होस्ट क्यों नहीं होता, एयर होस्टेस ही क्यों होती है? अब आप बोलेंगे कि नहीं, हम तो मौका दे रहे हैं लड़कियों को, हम तो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो जो लीड पायलट होता है वो हमेशा लड़का क्यों होता है? लड़की को तब ये क्यों कहा जाता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, तुम इस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगी? ये क्यों कहा जाता है? तब कहा जाता है ये समाज का जो बोलते हैं कि हमें मौका दे रहे, तब वो मौका कहा जाता है? नहीं, लड़कियों को एज अ शो पीस ट्रीट किया जाता है, रिसेप्शनिस्ट रखा जाता है ताकि उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, एक फितरत है, इंसानी फितरत है, हम खूबसूरत चीजें देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब मेरा जो मानना है, जो इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत जो नेचर है, वो हर एक मजहब का एक जैसा होता है, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, सबका फितरत उनकी सारों की सेम है। तो मर्द और औरत को जो फितरत के तकाजू है उसके हिसाब से उनको अपना अपना मुकाम दिया जाए, ना कि उनमें भेदभाव किया जाए। शुक्रिया। आखिर में बुलाना चाहूंगी राबिया को जो हमें अपनी राय बताएंगी। शुक्रिया अलीजा। मैं ये डिस्कशन एक सिनेरियो से स्टार्ट करना चाहूंगी। While she was walking down the street, she saw a couple of boys, and sensing from their body language and their tone, she knew they were going to do something, and they proved her right. वो गंदा सा एहसास उस लड़की के दिल और दिमाग में जब कभी भी ये होता है, वो इसे डर कहे या ज्यादती, है तो एक गंदा सा एहसास जो उसको महसूस कराती है कि वो गायब हो जाए, मगर अब तो आदत सी हो गई है। एक दिन कुछ लड़कों को कहते हुए सुना, ओ वो लड़की देखी है, क्या आइटम है, बड़ा सा माल है वो। जैसे वो लड़की एक इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट थी जिसकी कोई जात, कोई नाम और ना कोई शनाख्त हो, और खुदा ना करे किसी लड़की ने ना कर दिया, उसके मुंह पे तो एसिड फेंका जाता है ना। तुम कोई जोक नहीं ले सकती? मैं तो तुम्हारी बॉडी पे कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा था, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो?
And here goes the cycle of manipulation and normalization of these things over and over again. Oh, bhai, tu ladki hai. Ouch, kya kehta hai? Mard ban. Tu kido se darta hai. Ladki hai kya? Ladke rote nahi, mard ban. Ro mat. ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहां लड़कों को मर्द बनने के लिए कहा जाता है, जैसे वो मर्द इंसान नहीं होते, रोबोट है जिनकी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अब सवाल ये है कि सल्यूशन क्या है? सल्यूशन तो बड़ा इजी है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। टीचिंग द पीपल अराउंड अस एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस दैट वुमेन आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स एंड दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एज मेन, and men are not the robots and they too have feelings. इससे ना कुछ ज़्यादा और इससे ना कुछ कम। शुक्रिया। आप सब ने अपने अपने views, अपने अपने opinions तो दे दिए, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आप सब ने individual level पे वो कौन से steps लिए हैं जिससे sexism हमारी society में eradicate हो जाए। शुरुआत करते हैं राबिया से। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि जब भी टीचर्स या हमारे पेरेंट्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं लड़का और लड़की में, मैं अपनी आवाज़ उठा सकूं और उनको बताऊं कि क्या सही है। और जैसे कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, वहाँ अवेयरनेस मैंने हमेशा कोशिश की है स्प्रेड करने की। अब हम चलते हैं रुमान के पास। फ्रेंकली मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। अपने स्कूल में मैं एक काम करता हूँ कि मैं, क्योंकि मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कोशिश की है कि मैं जूनियर स्टूडेंट्स में अवेयरनेस लाऊं कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। जब भी मैं किसी क्लास में जाता हूँ जहाँ जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ लड़के और लड़कियाँ एक जैसा, उनको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिली और एक समान वो समझे। थैंक यू रुमान। हम चलते हैं सलसबील के पास। तो जैसा कि रुमान ने पहले ही कहा कि अच्छे काम की शुरुआत हमेशा घर से की जाती है, तो मतलब मैं अपने कजन्स को, जैसे मैंने देखा है, मैं अपनी कजन्स को पूछती हूँ कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तो अक्सर वो लड़कियों का नाम लेते हैं। मतलब कोई मेल फ्रेंड है तुम्हारा? बोलते नहीं, मैं कहाँ रख सकती हूँ मेल फ्रेंड, मैं तो नहीं रख सकती हूँ, तो इसमें क्या खराबी है? तुम डरो इस चीज़ से ना, डरो। और मैंने अपनी मम्मा को भी ये भी बात समझाई कि आप, मेरा भाई अगर बात करता है किसी लड़की से तो आप वैसा ही वहाँ रिएक्ट करो जैसा अगर मैं किसी लड़के से बात करती हूँ, हाँ, ना कि आप किसी से ये बात करो, मेरे पापा से शिकायत करो इस बारे में। एंड इसी की वजह से फिर रिस्ट्रिक्शंस होती है बहुत ज़्यादा, मतलब लड़कियों को दबाया जा रखता है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी ने अभी बात की रोने पर कि लड़के रोते नहीं है, तो मैंने एक बार अपने ऐसे कज़न से पूछ लिया, मतलब उसको कुछ पेन लगा था, उसको फुटबॉल आई थी कुछ टांग पर, मैंने बोला कि तुम्हें पेन नहीं हो रहा? बोलता मैं क्यों रोऊं, मैं तो रो नहीं सकता, मैं क्यों रोऊं? मैंने बोला क्यों, मर्द को दर्द नहीं होता? लाइक मैंने उसके एक सार्कास्टिक वे में बोला कि तुम ऐसा बोल रहे हो, मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब तुम मिट्टी के नहीं बने हो, तुम आयरन मैन हो, तुम स्टील के बने हो, तुम्हारे अंदर, तुम मिट्टी के नहीं बने हो और तुम्हें दर्द नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें मैंने अपने तक की है। और आगे अभी तो मैं स्कूल गोइंग ही हूँ, आगे इंशाल्लाह मैं और भी इसके बारे में करूँगी। जैसे राबिया ने कहा, उनने फैलाई, उसने इंफ्लुएंस किया है लोगों को, इस बारे में अवेयरनेस फैलाई, तो मैं भी वही कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आगे काम में, इस बारे में बात करूँगी। शुक्रिया सलसबी। अब हम चलेंगे आबिदा के पास, जो हमें बताएंगी इस मसले में उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो मैंने तो ऐसे कोई बड़ा काम किया नहीं है, बट एक बार कुछ ही साल पहले हुआ क्या था कि हमारी क्लास में एक मसला उठ गया था, तो उस पर एक लड़का रोने लगा था, तो वो लोग सारे उसके इर्द गिर्द घेरा बना के थे, बोलते हुए कि क्या है, रो क्यों रहे हो, लड़के हो, अब नहीं रो सकते हो, रो मत, करो चुप, अब ऐसे बोलने लगे थे। तो बाद में मैंने उनको बोला था कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मतलब रोने दो, इसे रोना चाहिए इंसान को, रोने की ज़रूरत होती है। कभी कभार कई ऐसे ज़िंदगी में हिस्से आते हैं जिनमें हमें रोने की ज़रूरत होती है, हम सब कुछ अंतर अपने अंदर बंद करके नहीं रख सकते हैं। शुक्रिया आबिदा। मैं जानना चाहती हूँ कि जो फीमेल रिजर्वेशन है किसी भी कैटेगरी में, उस पर आपका स्टैंड क्या है, उस पर आपका ओपिनियन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि ये एक ठीक चीज़ है जिससे डेवलपमेंट होगी, या फिर आप इस चीज़ के अगेंस्ट हैं? अलीजा, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, रिजर्वेशन से हम अपलिफ्टमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हम उन्हें आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। रिजर्वेशन एक ठीक चीज़ है, मेरा मानना है। रिजर्वेशन हम बसेस में करते हैं, हम ट्रेन्स में देखते हैं, वो रिजर्वेशन होती है, सीट्स में रिजर्वेशन होती है वुमेन के लिए, और इससे वुमेन अब्यूज से बच जाती है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिजर्वेशन एक गलत चीज़ है एकेडमिकली। हम देखते हैं कि प्रोफेशनल कॉलेज जो होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वहाँ एक तरह की रिजर्वेशन होती है वुमेन को या बाकी और सेक्शन सोसाइटी के, तो उन वो मुझे लगता है वो गलत होता है मैन के लिए, और सिर्फ मैन के लिए ही नहीं, किसी और भी चीज़ और किसी और बाकियों के लिए भी वो गलत होता है। अगर
इस रिजर्वेशन की वजह से जो उस पर्टिकुलर पीपल होते हैं वो सोचते हैं कि वो कम ही मेहनत करेंगे और वो आसानी से आगे चले जाएंगे, और फिर जो ज्यादा मेहनत कर पे अच्छा थोड़ा सा कर लेते हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो ये अनफेयर थोड़ा रहता है। शुक्रिया रमान। मैंने नोटिस किया आपका इस सवाल पे एक एम्बिवेलेंट स्टैंड है, एक मिक्स्ड स्टैंड है, तो मैं चाहती हूँ इस क्वेश्चन को मिडिल ग्राउंड यही मिले, एंड उस बारे में अगर कोई डिसएग्री करता है रुमान ने जो कहा उससे, तो प्लीज़ आप बताइए कि आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है। मैं रुमान की बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। लड़का और लड़की में जब से वो पैदा ही हो गई होती है तब से उन बीच में उनकी उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब हॉस्पिटल में वो लोग उन लड़की की रोने की आवाज़ सुनते हैं उनके मुंह पे तो ये हो जाता है लड़की पैदा हुई है, तो जब से वो पैदा ही हो जाती है उसका स्ट्रगल तब से ही स्टार्ट हो जाता है, तो उनकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो सेम ही नहीं है। तो अब कैसे हम क्यों रखते हैं रिजर्वेशंस, ताकि सबको इक्वालिटी मिल जाए, कि जो लड़की है उसकी अपलिफ्टमेंट हो जाए। लड़की के माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन हो, क्यों? क्योंकि वो घर पे काम करे, बच्चे पाले, इसलिए उनको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए उनकी कॉन्फिडेंस पे कि हाँ तुम इन्फीरियर नहीं हो, तुम भी इस मैदान में जहाँ लड़कों की डोमिनेंस होती है तुम भी वहाँ जाओ, तो उनके लिए रिजर्वेशंस मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, ये तब तक होनी चाहिए जब तक इक्वालिटी हो जाए, फिर ये रिजर्वेशन हटानी चाहिए। पर राबिया, इन रिजर्वेशन से क्या हम ये साबित नहीं कर रहे कि वुमेन एक वीकर सेक्शन है जिनको सपोर्ट की जरूरत है? कैसे? हम देख रहे हैं एकेडमिक रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम जैसे नीट की बात करें उनमें उनका कट ऑफ मार्जिन कम होता है, तो उनका मतलब उन्हें एक तरह की सपोर्ट चाहिए ताकि वो आगे जाके किसी MBBS कॉलेज में चले जाए, पर वैसा तो नहीं है मैन के साथ। हम इस डिबेट को आगे लेकर नहीं जा सकते बिकॉज हमारा टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, एंड आप दोनों के बिल्कुल अलग अलग ख्यालात हैं, और इन ख्यालातों में से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है ये हम पब्लिक पे छोड़ देते हैं। आज मैं उन पेरेंट्स से सवाल करना चाहती हूँ जो लड़का लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे ही लड़की पैदा हो जाती है तो एक दूसरे को सहानुभूति देने की कोशिश करते हैं, बट लड़का हो तो बिल्कुल मज़े में बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोग ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इस पेट्रियार्कियल सोसाइटी में, क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं? ओवर टू तब्रेज। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया लीजा। तो सामईन, आपने ये पहला सेगमेंट सुना, और अब वक्त हो चला है कि आप तक लोकल टैलेंट पहुंचाया जाए। हमारे यूथ में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो बस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, और AIR Next एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम हमारे यूथ को मौका देते हैं कि अपने टैलेंट को सामने लाएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज हम हैं, हमारे साथी वहां मौजूद हैं जो वहां से इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। तो आइए लोकल टैलेंट सुनने के लिए सीधा चलते हैं हमारी एक और साथी आफरीन लतीफ के पास, जो पेश करेंगी ये लोकल टैलेंट सेगमेंट। शुक्रिया तब्रेज। हेलो एवरीबॉडी, मैं आफरीन लतीफ इस सेगमेंट को होस्ट करने वाली हूँ जो कि दर्शाने वाला है DPS बडगाम का लोकल टैलेंट। तो चलिए मैं आप सबको ले चलती हूँ मोहदिसा के पास जो लिखती है इंग्लिश पोएट्री। आदाब सामाई, मैं हूँ मोहदिसा 12वीं जमात से, और आज मैं आप लोगों को अपनी लिखी हुई पोएट्री सुनाऊंगी जो पोजिशन ऑफ अ मदर के बारे में है। She works for the same hours, oftentimes even more, yet I see her work being ignored. She never sits idly, always caring for us fondly. However, somehow, this fondness makes her weak. The weak member of society, as she is frequently called. I wonder where does this weakness come from? Does it come from her warming gesture or from her loving nature? For I had believed loving people was the strongest thing one could do. Nevertheless, I see how she is subdued. It agonizes my heart to see her position in the society, to see how she is disdained so undeniably. Thank you, Mohadisa. Ab hum chalte hain Roshansa ke paas, jo hume apni poetry sunayengi. Hi everyone, main Roshansa hoon, aur main aapko aaj ek poetry sunaungi. Growing up, the yesteryears flew by with just a blink of an eye. Was it age? Was it time? Was it a dream that went by? Tiptoeing across the house, I could run along now. Holding my parents' fingers, I achieved all the milestones, wow. The urge to grow big, bigger and biggest, was somewhat at the highest. Till I felt the number of the age flying by. What a relief, said my mother with a sigh. But then I think, these yesteryears have flown by.
My early childhood, my eternal vice, my endless talks and carefree smile, all flying by. Is this what is growing up? I say again with a sigh. The mind wanders, the heart ponders, and the body surrenders. Time has it all. Change is the only constant, is what my father speaks often in our hall. Move with it, let it sway you, and let there be light. Growing up is just a part of one's whole life. But what makes you wiser? Isn't that easier? It's the hardships that count. It's the mountain of thoughts that mount. It's the lesson you learn, and then it's the final wisdom that yearns. So be happy, a bit snappy, not crappy. Growing up isn't that bad, as your yesteryear shouldn't make you sad. Let your today grow up with you to make your own world, your own kingdom, and most of all, a grown-up you. Thank you. थैंक यू रुशांसा। वादी में बहुत कम स्कूल्स हैं जो म्यूज़िक यानी संगीत पढ़ाते हैं, उनमें से एक हमारा स्कूल भी है, तो मैं बुलाना चाहती हूँ हादी को जो हमें अपनी आवाज़ में कुछ सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादी है, मैं डीपीएस स्कूल से हूँ और मैं आपके सामने आज एक नाम साहब का कलाम पेश करूँगा जिसका नाम आई जाने। मैं बुलाना चाहूंगी जैद को जो भी हमें अपनी आवाज में कुछ सुनाएंगे। शुक्रिया आफरीन, मेरा नाम काजी जैद है और मैं डीपीएस से हूँ।
और मैं आज आपको कामिल इरशाद की कुन फया कुन गाना गा के सुनाऊंगा। कुन फया कुन फया कुन फया कुन फया कुन फया कुन फया कुन कुन फया कुन फया कुन फया कुन फया कुन फया कुन फया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया। वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया। कुन फया कुन फया कुन फया कुन फया कुन फया कुन फया कुन। शुक्रिया जैद, ओवर टू तबरेज। आफरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस सेगमेंट के लिए। और सामईन, अब वक्त हो चला है आखिरी सेगमेंट का। जी हाँ, आखिरी सेगमेंट जहां पर हम हमारी यूथ से जानना चाहते हैं कि वो अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को आने वाले वक्त में कहां देखना चाहते हैं, किस तरह की तब्दीलियां चाहते हैं और कितने खुश हैं उस चीज से जो उनके पास मयसर है। तो आइए ये सेगमेंट हम तक पहुंचाएंगे हमारे साथी आकिब रशीद, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल बड़गाम में मौजूद हैं। तो आइए सीधा चलते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बड़गाम। शुक्रिया तबरेज। सलाम सामाईन, मैं आकिब रशीद आज के आखिरी सेगमेंट यानी दिल की बात को होस्ट करने वाला हूँ। आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा समाज एक बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ता ही जा रहा है और इस रफ्तार में बदलाव आते ही रहते हैं। तो अब मैं पूछना चाहूँगा हमारे कुछ दोस्तों से कि अगले कुछ समय में वो हमारे मौशरे को कहाँ देखते हैं, क्या बदलाव ज़रूरी है और क्या नहीं। तो पहले हम चलते हैं अलीज़ा के पास। सलाम समाई, पेट्रियार्कियल सोसाइटी जो है, हमें इसको एक इक्वल सोसाइटी बनाना है। सेकेंड थिंग, वी शुड हैव बेसिक ह्यूमन राइट्स, लाइक एवरी वन शुड हैव बेसिक ह्यूमन राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, बी इट मैन, बी इट वुमेन, बी इट ट्रांसजेंडर्स, वी शुड एजुकेट पीपल। यू नो, एजुकेशनल अवेयरनेस इज सच अ पावरफुल मूव दैट एजुकेशनल डेवलपमेंट से ही हमारा माइंड सेट चेंज होता है। सो आई वॉन्ट कि हमारा सोसाइटी जो है मोरल वाइज इट गेट्स बेटर। एंड ऑल्सो आई नीड, वी ऑल नीड के पावर्टी जो है वो कम हो जाए हमारी सोसाइटी में, एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ जाए। दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प आवर सोसाइटी टू गेट बेटर। थैंक यू अलीज़ा। अब हम अपने अगले साथी के पास चलते हैं। मैं आने वाले वक्त में बहुत होप कर रही हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे कमिंग जनरेशन, जो अभी की जनरेशन है, वो जो आने वाली जनरेशन है उनको अच्छी तरीके से एजुकेट करें। जो हमने सर्कमस्टांसेस देखे वो उनको ना देखने पड़े। और जो आजकल हमें ड्रग अब्यूज भी जो इंक्रीज हो रहा है वो कम हो जाए। थैंक यू राबिया। अब हम अपने अगले दोस्त के पास चलते हैं और देखते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। तो मैं एक दूसरी बात पे बात करना चाहती हूँ। अभी मटेरियलिज्म जो हमारी सोसाइटी में बहुत हो रहा है इस, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसी तरीके से आगे चलते रहे तो आगे वाले कुछ सालों में लोगों में बेसिक वैल्यूज़ नहीं रहेंगे। क्योंकि आजकल हम लोग हर एक चीज़ की वर्थ जो है, हम उसकी प्राइस जो है, हम देखते हैं कि वो कितना मटेरियल, कितना पैसा उसमें हमें मिलेगा, लेकिन हम कभी वैल्यूज़ नहीं देखते हैं उन चीज़ का। जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ है वो हमें नहीं है। मॉरल एजुकेशन जो है वो हमें ज़्यादा नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, और ज़्यादा फोकस जो है वो मटेरियलिज्म की तरफ जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ, मैं होप करती हूँ कि आगे वाले सालों में जो हमारी सोसाइटी है उसमें मटेरियलिज्म इतना ज़्यादा ना फैले और लोगों में जो बेसिक वैल्यूज़ है वो हमेशा उनके अंदर रहे और उनकी टीचिंग जो है वो स्कूल्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस में हो। थैंक यू मोहदिसा। चलते हैं अगले दोस्त के पास। मैं चाहती हूँ कि आने वाली सोसाइटी के लोगों के दिल में काइंडनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान के दिल में काइंडनेस या प्यार नहीं है तो इंसान पत्थर के समान है। तो आने वाले सालों में मैं चाहती हूँ कि लोगों के दिल में थोड़ा और प्रेम। थैंक यू रुशांसा। आप चलते हैं एक और दोस्त के पास। एज सो मैनी अदर पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स लाइक सेक्सिज्म एंड मटेरियलिज्म आर स्टिल एट लार्ज
in our society. But I think that now that there is the internet and social media, so that's leveling the playground. We are at level with developed countries because we have the internet and we have access to the best education in the world. And so this, I think that in the coming years, these problems will cease to exist. Thank you. And that was it on my part. Thank you. Over to Tabriz. आकिब बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामाइन आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एयर नेक्स्ट का एपिसोड आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपने बन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल डेज रखेंगे, खुश रहेंगे और अपने मुल्क और अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने में हमेशा पेश रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।